हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ मसूर मुनगा दाल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है और ये बहुत कम मसालों में बनके तैयार होती है। सबका तरीका बनाने का अलग होता है, लेकिन मैं आप लोगों को अपने तरीके से बनाना बताऊंगी। देखिए, मैंने यहाँ मसूर की दाल ले ली हूँ, इसे मैंने अब इसमें मैं हल्दी डालूंगी और हल्दी डाल के इसको मैं 2-3 सीटी होने तक गैस पर गलने के लिए चढ़ा दूंगी। ये मैंने गैस पर चढ़ा दी हूँ गलने के लिए। अब ये दूसरी तरफ दाल गल रही है, जब तक हम दूसरी तरफ ये को हम फ्राई कर लेते हैं। अभी हमने गलने तेल डाल दिया है, तेल को हम अच्छे से गर्म भून देंगे। उसके बाद हम इसमें जीरा डालेंगे, जीरा थोड़ा हल्का सा फ्राई हो जाएगा। उसके बाद फिर हम मुनगा डालेंगे। नमक डालेंगे और मुनगा को हम अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम बाकी मसाले डालेंगे। अब देखिए, मुनगा थोड़ा फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच डालेंगे इसमें हम हल्दी पाउडर और 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें मिर्ची पाउडर अपने हिसाब से। और इन मसालों को हम मुनगे के साथ अच्छे से भून लेंगे। अब मसालों के साथ थोड़ा सा मुनगा भून चुका है, अब इसमें हम टमाटर का पेस्ट डाल लेंगे। अब टमाटर के पेस्ट के साथ भी हम मुनगे को थोड़ा सा भून लेंगे। टमाटर के साथ हमने मुनगो को थोड़ा भून लिया है, अब हम 10 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं ताकि मुनगा थोड़ा गल जाए। अब मुनगा गल चुका है, अब इसमें हम जो दाल गला के रखे थे मसूर की दाल हमने, अब इसको हम मुनगे में डालेंगे। मुनगे और दाल को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब ये मुनगा दाल अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब इसमें हम 1.5 गिलास पानी डाल के इसे हम 10 मिनट तक और थोड़ा सा पकने देंगे। अब इसमें हम 1/2 चम्मच और नमक डाल देंगे और इसे हम अच्छे से थोड़ा पकने देंगे जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता। अब देखो, इसमें उबाल आ चुका है। ये हमारी मसूर मुनगा दाल बन चुकी है। अब इसमें हम ऊपर से कटी हुई धनिया पत्ती डाल देंगे। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। देखिए, हमारी मुनगा मसूर दाल बन चुकी है। आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और आप भी इसे ट्राई करके ज़रूर देखना। फिर मिलते हैं गाइस अगली एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय गाइस।